महात्मा गांधी के चार बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास। आंदोलन और जेल यात्रा की वजह से अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए गांधी जी को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता था। पिता के इस रवैये का हरिलाल और मणिलाल पर सबसे ज्यादा असर हुआ। हरिलाल को शराब समेत कई बुरी आदतों ने बुरी तरह जकड़ लिया। वहीं मणिलाल की भी गांधी जी से खास नहीं बनती थी। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर भगत सिंह की फांसी पर कोई बात नहीं हुई। तो वर्किंग कमेटी ने आपस में बातचीत करके गांधी जी को 6 पॉइंट्स बना कर दिया कि ये 6 मुद्दे हैं जिनके बारे में आप वायसराय से बात कीजिए। सुभाष चंद्र बोस भी इरविन समझौते के खिलाफ थे। महात्मा गांधी हर वक्त अपनों से घिरे रहते थे, जो उनके बनाए हुए नियमों का सख्ती से पालन करते थे। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल होती थी। जीवन के अंतिम कुछ सालों के दौरान महात्मा गांधी ने आत्मनियंत्रण को लेकर ब्रह्मचर्य पर अद्भुत प्रयोग किया, जिसकी आलोचना भी हुई।